संसार में आए हो तो दोनों सुनना पड़ेगा। क्या? जो आपकी प्रशंसा करेगा वो आपकी कभी बुराई नहीं करेगा, ऐसा ही नहीं। अगर आप प्रशंसनीय है किसी के लिए तो किसी के लिए अप्रशंसनीय होंगे, ये निश्चित है। इसलिए एक मध्य का रास्ता बना लीजिए। तो मध्य का रास्ता क्या है? अपनी मस्ती करें, चाहे कोई बुराई आगे करें, चाहे कोई प्रशंसा करें। जैसे आपके जीवन में जैसे नदियों के दो पुल होते हैं, दो किनारे, वैसे ही आपके भी जीवन में दो ही किनारे हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही कुलों के बीच सरिता समान सदा बहते रहना और सीताराम कहते रहना। जय हो। बीच से निकल जाओ ना, जैसे हाथी, हाथी चलता है पीछे से। आप पीछे से कौन लोग होते हैं आपको तो पता ही है। ये कहां से आ गया हम लोग के गांव में, और भों भों लगाए रहते हैं कहां से आ गया, और आगे हम लोग रहते हैं जय गणेश जी, जय गणेश जी। तो नमस्कार करने वालों के पास वो गणेश जी खड़े भी नहीं होते और भूखने वालों को डांटते भी नहीं है। अपनी मस्ती में चलते हैं, संत अपनी मस्ती में हैं। चाहे अभी एक वायरल हुआ कि पानी में जहर घोल दिया जाएगा कुंभ में, ऐसा टीवी में देख रहा कि जहर घोल दिया जाएगा। अब आप बताइए किसी संत को कोई घबराहट हुई, जिससे घबराहट हो गई, आहा जोगी को घबराहट हो रही है, मुख्यमंत्री को, अरे ऐसा होने जा रहा है। संत तो अपना बैठे हैं उसी में नहाएंगे, चाहे जहर घुल जाए और चाहे अमृत घुल जाए, वो तुम्हारे लिए अमृत है। प्रवेश नगर की जय सबका, पहले रात को संत राजा को गरल, फायदा क्या होगा? गरल सुधार और रिप करा ही मिटाई, सिंधु अनंत लाई। गंगा में कोई जहर भी घुल देगा तो वो अमृत हो जाएगा महाराज, इस प्रमाण में। प्रमाण क्या है? आनंद लीजिए, क्या फल फूल सेटिंग में। आज तक हम लोग अपने आप को 50-60 साल को सेट नहीं कर पाए, सेटिंग बिगड़ती रहती है। सुबह सेट होकर के निकलो फिर शाम को बिगड़ जाएगी, सेट होना पड़ता। शाम को सेटिंग करो, रात में सोओगे अपसेट हो जाओगे, सुबह नींद नहीं आएगी। क्या हो गया? मैं तो बड़ा रात में अपसेट हो गया, सेट करके सो जाता। पत्नी कहेगी सेट करके नहीं सोते, सोया था सेट करके, लेकिन अपसेट रहा पूरी रात, क्योंकि दिन भर का माइल भरा था अंदर में, इसलिए सेट नहीं होने दिया। जब
मेरी दोनों एक वरन भाई जान खोलने वाले, कोई बात सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन कोई होगा मीडिया का प्रभारी तो कह देगा कि जहाँ डाल दो गंगा में, कोई बात नहीं है। जब मिली दोनों एक वरन भाई तब सुरसर जहर का भी नाम सुरसरी हो जाएगा, वो जहर भी अपना सौभाग्य समझेगा कि कम से कम हमारा जीवन अमृतमय हो गया। वो कोई लोटा में जल नहीं है, वो तो प्रवाहित होता हुआ जल है, गंगा जी का जल, पावन जल, पवित्र जल, पतित पावनी गंगा के मध्य में कोई जहर डाल देगा उनका क्या बिगड़ता है। डालने वाला सुंदर जमुना में डाल दीजिए, कर्म की साक्षी है जमुना जी। एक बात बताऊं, माधवाचार्य जी ने कहा इस बात को कि जमुना जी में जो स्नान करता है वो जमराज घर दंडित नहीं होता। अब लोग जमुना जी में जो स्नान करता है वो जमराज घर दंडित नहीं होता, क्यों? बोले जमुना मैया है और वो मैया जमराज की बहन है, और जब उनके गोद में हम जाके स्नान करते हैं तो हम उनके पुत्र हो गए, तो जब हम जमुना जी के पुत्र हो गए तो जमराज हमारे मामा लगेंगे, और भांजा चाहे कितना हो उत्पात करे मामा दंड दे ही नहीं सकते, इसलिए भांजा भी लग जाता है। और ननिहाल कैसा, जिस ननिहाल में बच्चे भी रख नहीं जाते, वो कैसा ननिहाल है। इसलिए ए जमुना जी का महत्व है तो घोलो जहर, हवा में कोई जहर फैलाने वाला है लो, जिसका नाम पवन पुत्र है वो हवा में भला जहर रहने देंगे। कोई भी संत टीवी पर आया होगा आप देखे होंगे, इसके विषय में कोई नहीं, उनका तो एक ही काम है, मन लगा 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 मीटर भाई, मन लगा 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 मचलाइए मचलाइए बंद कर दीजिए ये गले में सांस लगा, मन लगा 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 मन लगा 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 मन भला बुरा सबका सुन लीजिए, 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 कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 ये साहब मिलत, ये साहिब मिलत सबूरी में। आजकल लोग साईं बाबा की पूजा करते हैं और दो ही सूत्र हैं और एक भी सूत्र मान नहीं सकते, उनका तो दो ही सूत्र है, मानस का दो सूत्र है, उनके दो सूत्र श्रद्धा, यह भी मानना कठिन है, यह भी बड़ा कठिन है, दोनों को दोनों में से एक भी नहीं मान सकते। और कभी दास ने कहा साहिब मिलत सबूरी में, गंगा में जाल घोल देंगे तो कहा लोग टैंक खाली करके चले जाएं, सब्र करो भगवान ही। मैंने बैठते ही कहा कि को कह सके प्रयाग प्रभाव, तो यही काम होगा वहां पर कि गंगा में स्नान करके लोग मरेंगे, ऐसा हो रहा ही नहीं। साहब मिलत सरूरी में, मन लागा में यार हाथ में कुंडी बगल में सोता, हाथ में कुंडी बगल में सोता, हाथ में कुंडी नमा, कुंडी नमा, हाथ में कुंडी बगल में सोता, हाथ में कुंडी बगल में सोता, चारों दिशा जगी में,
अगर आपका मन न लगे तो एक देवता को पकड़ लो, लगा देंगे। जो जैसा होता है उसको ऐसी पूजा देनी चाहिए। जो व्यक्ति जैसा उसके पीछे वैसा व्यक्ति लगाओ। गुंडा है तो गुंडा के पीछे गुंडा लगाओ, शरीफ है शरीफ के पीछे, साधु है साधु के पीछे साधु, पूरा मैच करके। मन बहुत, ये मन बड़ा चंचल है। कितना इसे समझाऊं और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तो एक संत ने कहा कि इसको समझाओ मत, तुम समझा ही नहीं पाओगे। तो फिर तुम, हम क्यों नहीं समझा पाएंगे? बोले तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि दिखाई देगा नहीं, बार बार भागेगा। तो इसके पीछे एक देवता को लगा दो। बोले किस देवता को? बोले जो भागने वाले देवता हो। बोले कौन? तो कहे मन, जो मन को पकड़ ले। मनोजमम, बोले बोले मनोजमम मारुत तुल्य वेगम, जिसका मन मन के ऊपर दबाव पड़े, जिसका दबाव हवा से भी ज्यादा हो। मनोजमम मारुत तुल्य वेगम, जिसका वेग उससे भी तेज हो, उसकी तुलना में हो, उस देवता को लगाओ पीछे। ये कहां भाग के जा रहे हैं? बालाजी कौन कौन लोग गए हैं? आप गए? तो मैं सोचता हूँ कि भूत उतर जाता है वहां पर, ऐसा है क्या? बालाजी मेहंदीपुर बालाजी गए हैं तो आप भूत छोड़ देता है क्या? मुझे सुनने में आता है। बोले बालाजी महाराज की संदेह की बात नहीं, भूत जो जरूर छोड़ देगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर, अब महावीर जब नाम सब कहा कि आए कुछ भूत कहीं गलत न हो जाए। सही है, अगर मैंने सुना। हमने कभी भूत उतर के भाग जाता होगा हनुमान जी के? तो बोले कि नहीं, भाग तो जाता है जब वहां पहुंचते हैं लोग, और जब वो खुलता नहीं है तो वहां अर्जी लगाई जाती है, और अर्जी जब लगा दी जाती है उसके नाम से तो दूत तब छूटते हैं वहां से, और उस परिधि से बाहर होता तो उसको खींच के लाते, कहां जा रहा है तू? चल बाबा की शरण में, चल हनुमान जी के बाला साहब की शरण में। और फिर तब वो खेलने लगता है जिसके ऊपर भूत होता है, ऐसा मैंने सुना है। भगवान ने हमको तो कभी भूत पकड़ा नहीं, क्यों? कि हम शुरू से हनुमान जी को पकड़े हैं, तो भूत कैसे पकड़ेगा? आज जो भूत पकड़ लेगा तो अद्भुत भूत होगा महाराज, वो अद्भुत होगा जो हमको पकड़ लेगा, जैसे हनुमान जी को पकड़ा है। आज बताओ, आपको करंट लग रहा हो इसमें और हम इसको पकड़े हैं, तो आप हमको पकड़ेंगे? क्यों? बड़े खास है, पकड़ लो, बड़े खास हो हमारे, मेरा बेटा हो, मेरा भाई हो, मेरी पत्नी हो। मैं जानता हूं कि मेरे मरने के बाद रोएगी जरूर, मानेगी नहीं, और छाती पीट पीट के रोएगी, लेकिन वो मुझे पकड़ के खींच नहीं सकती, और चिल्लाई है कोई इनको बचाओ, तो तुम ही बचा लो, कोई क्यों बचा, तुम बड़ी खास हो, अर्धांगिनी तुम ही बचा लो अन्ना। तो हनुमान जी को हम पकड़े तो भूत हमको पकड़ लेगा? भूत नहीं पकड़ेगा। आज जो भूत पकड़ लेगा तो अद्भुत भूत होगा। हाँ, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितारी हर्षित महतारी मन मनहारी बिचारी लोचन विरामा तनगुण श्यामा निज आयुध उचारी भूषण मनमाला नहन विशाला शोभा सिंधु खरारी। या भूत हमें पकड़ेगा जो तीनों काल एक रस रहे, परिवर्तन नहीं होता है। और वह भूत पकड़ करके हमको आनंदित, और भगवान ने तो पकड़ा भी है लोगों को जो भूत हो गए थे। जब भगवान जंगल हो गए ना, तो कितने लोग जगह कर रहे हैं, ऋषि लोग निशाचर आए, मार के उनको खा गए, हड्डियां फेंक दी। हड्डियां क्या होगी? पेड़। क्योंकि भगवान के लिए वो अपना जीवन दे दिया है, यज्ञ कर रहा था और उसको निशाचर मार के खा गए, वह हड्डियां पेड़ हो गई। भगवान कोई पागल है? कहते हैं हे मृग, हे खग, मृग हे मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। वो मधुकर कौन है? वो भौरा, भौरा से पूछ रहे हैं, भौरा कौन है? वह ऋषि है
सबसे नहीं पूछते एक खग मृग है मधुकर सेने, तुम देखे सीता मृग नयने, आज वृक्षों से के पास जाते हैं तो कहते हैं आनंद आ रहा है। मैंने आलिंगन करके भगवान वृक्ष से पूछते हैं आनंद आ रहा है, और वृक्ष कहता है प्रभु छोड़ना नहीं मुझे। वह भूत बना और ये अद्भुत भूत आलिंगन कर रहा है, कह रहा है कि आनंद आ रहा है ना, तो सुंदरकांड में आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप अपने मान अपने को भूत मान लो, क्या दिक्कत है? और आपको यह अद्भुत भूत पकड़ा हुआ है। राम जी आपको अगर नहीं पकड़ते, हनुमान जी की कृपा नहीं होती, तो आपके घर में सुंदरकांड नहीं होता, नहीं होता। आपको बहुत लोग फोन करते कहते 20 साल से मेरी मनौती थी तो अब तक क्या करते, फुर्सती नहीं थी। भगवान ने उनको धन दिया, समय नहीं दिया कि राम नाम करा लो। राम नाम जिनके यहाँ होता है थोड़े सौभाग्यशाली है, उनसे ज्यादा हम सौभाग्यशाली है कि वो हमको बुलाते हैं तो हमारे ऊपर एहसान करते हैं। मैं उनका आभारी हूँ जो सुंदरकांड सुनते हैं। क्यों एक नदिया एक नारे कहा, एक नदिया एक नारे कहा, मैं लो निर्भर जब मिली तो अब कुन चित ना धरो, प्रभु ही मिले अब कुन चित ना धरो, प्रभु जी अब कुन चित ना धरो, प्रभु ही मिले अब कुन चित ना धरो। आ एक जीव